वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह, हम जा रहे हैं एक रिवर साइड रेस्टोरेंट। उसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है, वहाँ जाके पता करेंगे, क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला है कि हमारे कोलकाता में एक ऐसी जगह है जो काफ़ी सुंदर है और वो एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है जहाँ जो रिवर साइड है और वो काफ़ी चीप है। चलिए वहाँ चल के एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है और आपको पूरा डिटेल्स देखिए। तो पूरे डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घर से निकलते ही यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। आज का वेदर मैंने देखा था, दिखा रहा था कि धूप ही रहेगा, बट देखिए यहाँ से निकलते ही बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो अभी हम लोग फंसे हुए हैं, अब तो निकल गए घर से तो जाएंगे। अभी बारिश रुक चुकी है और हम उस जगह पे पहुँच गए। ऑलमोस्ट यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग शूज़ लग रहे हैं। शूज़ भीग चुके हैं और भीग जाते हैं शूज़ तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बट कोई नहीं, होप्स हो वो जगह बहुत सुंदर हो क्योंकि इतना भीग के आए हैं। अगर वो जगह अच्छी नहीं हुई तो देखते क्या होता है। तो चलिए अभी हम पहुँचने वाले, वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वो जगह कैसी है। तो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है, वो बोट है जहाँ पे हम जाने वाले हैं और ये काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हो कि पूरा पानी के पानी है पूरे साइड और बीच में बोट है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। जब यहाँ पे आए थे तो इन्होंने बोला कि आज सैटरडे है और आज जो ये बोट है वो शाम को ओपन होता है, तो हम तो पूरा डर ही गए कि आज पता नहीं क्या होगा, आज जा भी पाएंगे कि नहीं। बट भैया बहुत अच्छे थे, आज उन्होंने एंटर हमने करने दिया। और अगर आप सैटरडे को अगर आज हम 5 बजे आते तो ये बोट फ्लोट होता, बट अगर आप दूसरे दिन आओगे तो ये बोट फ्लोट नहीं होगा। जैसे वैसे आते ही आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। ये है हमारा न्यू ब्रिज और इस साइड देखोगे तो अपना पुराना हावड़ा ब्रिज, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा और यहाँ से इनका एंट्री गेट है। यहाँ पे बेसिकली ये सिस्टम है कि आप अगर सैटरडे और संडे आओगे तो यहाँ पे बूफे सिस्टम होता है। शाम को 5 बजे से 6 बजे आपको यहाँ पे राइड भी मिलेगी और आप यहाँ अनलिमिटेड खाना भी खा सकते हो। बट अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हो तो ये नॉर्मल रेस्टोरेंट के तरह रहता है, बोट फ्लोट नहीं होती। बोट जैसे है यहाँ से जहाँ जैसे लगी हुई है वैसे ही लगी रहती है। तो अगर आपको बूफे सिस्टम में खाना है तो जिसका प्राइस है 699, तो अगर आपको उस टाइप से आना है तो आप सैटरडे संडे 5 बजे से आओ, और अगर आपको नॉर्मल यहाँ पे रेस्टोरेंट में आना है तो आप मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे आ सकते हो। अभी डायरेक्ट चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है इनके मेन्यू में। तो अभी हम यहाँ पे आके बैठ चुके हैं और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा कुछ है, आपको रिवर का पूरा व्यू मिल जाएगा। आप खाते खाते बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। और अभी हमें यहाँ पे आके पता चला कि ये जो बोट है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो अभी ये न्यू ही स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इनका मेन्यू है, आप पॉज करके इसको देख लिया अभी, वेज फ्राइड राइस और लेमन चिकन। इनका बूफे सिस्टम है जो शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता। ये आ गया हमारा लेमन चिकन एंड वेज राइस। पहले टेस्ट करके देखते हैं कि लेमन चिकन कैसा है। काफ़ी टेस्टी है, आपको इसमें पूरा लेमन का जो खट्टा खट्टा स्वाद है वो भी है, बट इसका टेस्ट नहीं था, बहुत टेस्टी। ओवरऑल इनका जो खाना है काफ़ी टेस्टी है, बट यहाँ का जो लेमन चिकन है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी आओ तो लेमन चिकन ज़रूर एक बार टेस्ट। हमारा खाना हो गया, अभी हम चलते सीधा ऊपर, अभी खाते हैं ऊपर से ये व्यू कैसा लगता है। हम अभी ऊपर आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये देखिए यहाँ से बाहर का व्यू कैसा दिखता है, चारों तरफ आपको रिवर ही दिखेगा। फिर कुछ ऐसे चेयर्स लगे, अभी उतने सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है क्योंकि हम रॉन्ग टाइमिंग पे आए, तो आप थोड़ा समझिए, लेकिन शाम को यहाँ पर अलग ही व्यू लगता है। तो हम ट्राई करेंगे कि किसी और दिन शाम को आके इस पूरे व्यू को कवर करें और आपको दिखाएं कि शाम को यहाँ का व्यू कैसा लगता है। बट अगर आपको यहाँ पर आना हो
तो आप ज़रूर आइए क्योंकि ये अभी न्यू खुला है और आपको यहाँ पे बहुत सारा मतलब ओवरऑल यहाँ पे के फूड टेस्टी है, यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा है और उसके अलावा यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये इसके आगे का आगे से ये ऐसा दिखता है यहाँ का व्यू। से निकल चुके हैं। अगर आपको यहाँ के लोकेशन को लेके कोई भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का लोकेशन दे दूंगी, आप वो देख के यहाँ पे आ सकते हो। उसके अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी हम जा रहे हैं, अब हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं घर। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।